केपीके हाउस में आज मीटिंग हुई है, तमाम एमएनएस की हुई है, हमने प्रॉपर बजट की प्रेजेंटेशन ली है और प्रॉपर हमने लाया अमल बनाया है, क्योंकि हम इस आईएमएफ के बजट को नहीं मानते, हम इस इंपोर्टेड वजीर खजाना को भी नहीं मानते, हम फॉर्म 47 वालों की हुकूमत को भी नहीं मानते। अगर वो आवाम के नुमाइंदे मुंतखब होते 8 फरवरी को तो वो जारी बात है आवाम के लिए फैसले करते। अभी जिनमें से भी इनसे भी सवाल करो वो खुद कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमें तो बजट का ही नहीं पता, वजीर खजाना भी कहता है हमारे पास तो आईएमएफ के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है कि इनसे कोई तो मुशावरत ही नहीं हुई। तो जब फॉर्म 47 वालों को पता ही नहीं है कि इनका बजट कहाँ से आया है, इन्होंने वोट ही नहीं लिया, इन्होंने आवाम के लिए फैसले करने ही नहीं है जो आवाम की तरक्की के लिए हो या आवाम की बेहतरी के लिए हो, तो ना हम इनके बजट को मानते हैं, ना हम इनके वजीर खजाना को मानते हैं, ना हम इनके हुकूमत को मानते हैं। ये बजट अभी से आवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया और हमने एज अपोजिशन पार्टी इस बजट को भी रिजेक्ट कर दिया है। जी अच्छा मैडम, क्या है आपका जो बाद में भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। ये अवामी नुमाइंदे जो असल में फॉर्म 45 के जरिए 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ के जीत के इमरान खान के नाम पे, उनके ये लोग आवाजें नहीं दबा सकते। आपके सामने के डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, किसी की भी जमानत नहीं होती। 8-8 घंटे उनको सख्त गर्मी के अंदर वैन के अंदर, प्रिजन वैन के अंदर बिठाया जाता है। इस तरह की फस्तायत हो और ये बजट पेश कर इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे अपोजिशन लीडर कल जब अपने सरगोधा एटीसी के अंदर अपनी जमानत के लिए गए 6 महीने के साथ, यानी एक तो झूठा मुकदमा, ऊपर से आप जमानत के लिए जाए, हम सरेंडर करें कोर्ट के अंदर, तो आप पूरा का पूरा कोर्ट को ही मुहासरा कर लेते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि किसी की जमानत नहीं होने दी, और फिर अदम अदायगी के ऊपर कि हमारे जो एमएनएस साहबान थे या अपोजिशन लीडर थे जी, वो वहां पे मौजूद ही थे जबकि वो 9 घंटे कल एटीसी की कोर्ट के बाहर बैठे रहे। तो इस तरह की हुकूमत जो फस्तायत करती है, इस तरह की हुकूमत जो जबर करती है, वो समझती है कि झूठा बजट ये लोग पार्लियामेंट में पेश करेंगे और ये हम इलेक्टेड नुमाइंदों की आवाजें दबा देंगे, ना हम ये बजट चलने देंगे, ना हम इनका हाउस चलने देंगे, ना हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह आज आप जब गैलरीज में बैठेंगे आपको नजर बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। मेहरबानी मैम, कल एक शेर केपीके हाउस में आज मीटिंग हुई है, तमाम एमएनएस की हुई है, हमने प्रॉपर बजट की प्रेजेंटेशन ली है और प्रॉपर हमने लाया अमल बनाया है, क्योंकि हम इस आईएमएफ के बजट को नहीं मानते, हम इस इंपोर्टेड वजीर खजाना को भी नहीं मानते, हम फॉर्म 47 वालों की हुकूमत को भी नहीं मानते। अगर वो आवाम के नुमाइंदे मुंतखब होते 8 फरवरी को तो वो जारी बात है आवाम के लिए फैसले करते। अभी जिनमें से भी इनसे भी सवाल करो वो खुद कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमें तो बजट का ही नहीं पता, वजीर खजाना भी कहता है हमारे पास तो आईएमएफ के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है कि इनसे कोई तो मुशावरत ही नहीं हुई। तो जब फॉर्म 47 वालों को पता ही नहीं है कि इनका बजट कहाँ से आया है, इन्होंने वोट ही नहीं लिया, इन्होंने आवाम के लिए फैसले करने ही नहीं है जो आवाम की तरक्की के लिए हो या आवाम की बेहतरी के लिए हो, तो ना हम इनके बजट को मानते हैं, ना हम इनके वजीर खजाना को मानते हैं, ना हम इनके हुकूमत को मानते हैं। ये बजट अभी से आवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया और हमने एज अपोजिशन पार्टी इस बजट को भी रिजेक्ट कर दिया है। जी अच्छा मैडम, क्या है आपका जो बाद में भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। ये अवामी नुमाइंदे जो असल में फॉर्म 45 के जरिए 8 फरवरी को इलेक्शन लड़के जीत के इमरान खान के नाम पे, उनके ये लोग आवाजें नहीं दबा सकते। आपके सामने के डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, किसी की भी जमानत नहीं होती। 8-8 घंटे उनको सख्त गर्मी के अंदर वैन के अंदर, प्रिजन वैन के अंदर बिठाया जाता है। इस तरह की फस्तायत हो और ये बजट पेश कर इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे अपोजिशन लीडर कल जब अपने सरगोधा एटीसी के अंदर अपनी जमानत के लिए गए 6 महीने के साथ, यानी एक तो झूठा मुकदमा, ऊपर से आप जमानत के लिए जाए, हम सरेंडर करें कोर्ट के अंदर, तो आप पूरा का पूरा कोर्ट को ही मुहासरा कर लेते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि किसी की जमानत नहीं होने दी, और फिर अदम अदायगी के ऊपर कि हमारे जो एमएनएस साहबान थे या अपोजिशन लीडर थे जी, वो वहां पे मौजूद ही थे जबकि वो 9 घंटे कल एटीसी की कोर्ट के बाहर बैठे रहे। तो इस तरह की हुकूमत जो फस्तायत करती है,
इस तरह की हुकूमत जो जबर करती है वो समझती है कि झूठा बजट ये लोग पार्लियामेंट में पेश करेंगे और ये हम इलेक्टेड नुमाइंदों की आवाजें दबा देंगे, ना हम ये बजट चलने देंगे, ना हम इनका हाउस चलने देंगे, ना हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह आज आप जब गैलरीज में बैठेंगे आपको नजर बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच मेरे बानी। मैम कल एक सीट सामने हम उनको बोलने नहीं देंगे।